महाराजगंज में शक के आधार पर पकड़े गए युवक को पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया है। इसकी खबर जब परिजनों और ग्रामीणों को लगी तो उन्होंने घायल युवक को लेकर सड़क जाम कर दी। घटना पर सामलिक थाना क्षेत्र के मददेया गांव की है। दरअसल कुछ दिन पहले इलाके के एक मंदिर के पुजारी और उनकी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने शक के आधार पर गांव के ही एक युवक को पकड़ा। थाने में पीटने के बाद युवक को परिजनों के हवाले कर दिया गया। युवक की हालत गंभीर देखकर ग्रामीण नाराज हो गए, घायल युवक के साथ रोड जाम कर दिया। मौके पर कई थानों की फोर्स के साथ पहुंचे अफसरों ने लोगों को कार्रवाई का भरोसा देकर जाम खुलवाया। लोगों का कहना था कि आरोपियों को पकड़कर हत्याकांड का खुलासा किया जाए, लेकिन किसी को जबरन थाने में बुलाकर पिटाई नहीं की जानी चाहिए। बच्चे को युवा को बेरहमी से पीट करके उसके प्राइवेट पार्ट में डंडे जो है डाल करके और उसको जो उसके ऊपर चढ़ करके साथ साथ आठ आठ दस दस लोग पुलिस वाले चढ़ करके उसको बेरहमी से मार डाले, उसका जिंदगी समाप्त हो गया। अब उसके इलाज की जरूरत है। सबसे पहले यहाँ नेतागिरी करने के लिए तमाम सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन उनका इलाज होना चाहिए। सबसे पहले मेरी मांग है, मैं 27 साल से जनता के हक की लड़ाई कर रही हूँ। मैं एक समाज सुधारक हूँ, सिर्फ नेता नहीं हूँ। तो जनता मुझे न्याय चाहिए। हत्या, पहली बात तो हत्यारों का पता लगा करके उनको जो है सजा दे। दूसरी बात, इस लड़के को जो मारे पीटे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ की पब्लिक को मैं समझा रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि पुलिस स्टेशन चलिए या डॉक्टर के पास, मैं ट्रीटमेंट करवा रही हूँ। तो यहाँ की पब्लिक मानने के लिए तैयार नहीं। मैंने पब्लिक का हाथ पैर जोड़ा, लेकिन पब्लिक नहीं मान रही है। तो क्या यहाँ के प्रशासन के लोग डॉक्टर यहाँ नहीं बुला सकते? यहाँ डॉक्टर चिकित्सा